Click on subscribe button and bell icon to never miss an update from CBR. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CBR। सो फ्रेंड्स, आज हम परफॉर्म करने वाले एक्सपेरिमेंट जिसमें कि हम वेरीफाई करेंगे ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कि SR फ्लिप फ्लॉप और D फ्लिप फ्लॉप नहीं आता होगा, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि अगर आपको नहीं आता तब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी होगी, इसका सर्किट डायग्राम और इसकी ट्रुथ टेबल। उसके अकॉर्डिंग आप इसको काफ़ी इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट को टू वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे एक प्री डिज़ाइंड सर्किट बोर्ड को यूज़ करें जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो ये सबसे पहला तरीका था हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक ICs को यूज़ करें, जैसे कि NAND IC एंड AND IC, और उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट को डिज़ाइन करें और वायर्स को कनेक्ट करें। सो बेसिकली हमारे पास ये दो तरीके हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सो इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल और इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसके सर्किट डायग्राम में हमने यहाँ पे दो इनपुट्स को यूज़ किया है। SNR एज एन इनपुट लिए हैं हमने, बीच में हमारे पास यहाँ पे क्लॉक पल्स है, और एंड में हमारे पास यहाँ पे दो आउटपुट Q और Q' देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे दो इनपुट्स को कनेक्ट करेंगे। SNR को हम कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाला हमारे पास S है, नीचे वाला हमारे पास R है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लॉक पल्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एंड में हमारे पास यहाँ पे इसका आउटपुट Q और नीचे वाला हमारे पास Q' देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमारे पास लैब में हमारे पास एक प्री डिफाइंड सर्किट प्रेजेंट था, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को उसी में परफॉर्म किया है। आप चाहें तो इसे ICs की हेल्प से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन या फिर ट्रुथ टेबल को देखते हैं। तो 01 पे हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस स्टेट में पाया जाएगा क्यू हमारे पास, 10 पे हमारे पास 1, 01 पे हमारे पास 0, और 11 पे हमारे पास क्यू एक अनडिफाइंड स्टेट, जिसमें कि हमारे पास क्यू की वैल्यू बार बार कभी 1 और तो कभी 0 में चेंज होती रहेगी, तो उसको हम अनडिफाइंड स्टेट कहेंगे। आप इस चीज़ को दोबारा अपनी स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेंस वी हैव वेरीफाइड द ट्रुथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी सिंपल एक्सपेरिमेंट D फ्लिप फ्लॉप को परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट प्रोवाइड किया है, D इनपुट, उसको हमने रिवर्स करा यूजिंग नॉट गेट, और हमारे पास यहाँ पे चारों के चारों NAND गेट प्रेजेंट हैं। ये आप इससे कन्फ्यूज मत हो जाइए डायग्राम को देख के, ये हमारे पास चारों के चारों NAND गेट ही प्रेजेंट हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो इसकी ट्रुथ टेबल में हमारे पास जो हम D इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो हमने D प्रोवाइड किया है, D में 0 तो Q में भी हमें 0 देखने को मिलेगा, D में 1 तो हमें Q में भी 1 देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट D, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नॉट गेट से कनेक्ट करेंगे, और थर्डली हम यहाँ पे एक क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, और एट लास्ट हम यहाँ पे आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। ऊपर वाला हमारे पास क्यू है, नीचे वाला हमारे पास Q' आउटपुट है, और इसको हम ऑन करेंगे तो जो हमारे पास D की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको ऑन किया तो ये हमारे पास 1 हो गया, हमने इसको ऑफ किया तो हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया। सो हमने इसको परफॉर्म कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप JK और T फ्लिप फ्लॉप वाले एक्सपेरिमेंट की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के एंड में सजेस्टेड वीडियोज़ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप इसी तरह की प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी वे में प्रैक्टिकल एक्सप्लेन वीडियोज़ को लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग CVR।